शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तेरे माँ बाप नहीं है क्या? होते तो मामा के पास क्यों रहती? यानी तू अनाथ है? देख गुलाबिया, मेरे भी माँ बाप नहीं है, मैं भी अनाथ हूँ। और एक अनाथ का एक अनाथ से क्या झगड़ा? चला तेरी मेरी बट्टी। तेरी बट्टी पे क्यों? है तो पटाखा लेकिन एकदम छप्पन छुरी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सो रोग हरे सम पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ए मामा निकल बाहर, वो तो गया। जय बजरंग जय बजरंग। गुलाबिया तू मेरी भांजी नहीं भांजा है, और तू मेरा मामा नहीं मामी है। ठीक है, अभी तक नहीं आई चमकी, कह दिया था कि जल्दी आना। आ गई। घेर लगा दी तू? जी मुनीम जी। जी बुजुर्गों का कहना है कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, और मेरा कहना है कि आज का दाम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी और राजा की आधे दिन की मुजरी दे लो, 3 रुपए नकद। अरे बेटा तो यही वक्त आने का है, सवेरे ले लेना है। जाओ मुझे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए, क्योंकि अपना तो नशे पानी का टाइम हो गया। मुसीबत है, अब इसका छुट्टा कहाँ से लाऊं मैं? ले जाओ 5 रुपए, ले जाओ जाओ। तो 1.5 रुपए दे जाऊंगा। दे जाना बाबा, जाओ। जय राम जी की। जय राम जी की। जाओ। बेटी इतनी देर लगा दी। बाबू जी 1008 मंत्र पढ़ने में क्या समय नहीं लगता? चलाओ दो दो दो। इतनी रात गए अभी तक आया नहीं, नानी का कोई ख्याल नहीं, जरूर दारू पीने गया है। आने दो, बताती हूँ। जहाँ चला जाऊं बाहर चली आए। आ निगुड़े, आज तुझे ठीक करके छोड़ूंगी। आ नीचे, आप कहाँ मरने गया था? इतनी रात गए बोल बोल। नानी कहाँ मरने गया था? मत मार नानी। दारू पीता है, पिएगा दारू, पिएगा मुझे दम देता है। खैर तुझे भी ठीक करती हूँ, तूने ही इसे बिगाड़ा है। अभी भागता कहाँ है? क्या तुझे मारने का मुझे शौक है? अरे तू दारू काहे को पीता है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं भी कैसी निगोड़ी हूँ, मार मार के बहुत पीछे लाल करती। बोल अब दारू नहीं पिएगा ना? बोल। पहले तू बोल, तू पत्थर है या मोम नानी? जो कुछ भी हूँ तेरी नानी हूँ। ओ नानी मेरी प्यारी नानी। लाल इतनी सी बात के लिए अजय ने हरिया को बर्खास्त कर दिया? नहीं बाकेलाल, इसमें हरिया का कोई दोष नहीं है। तुमने देखा ना उसके न होने से काम में कितनी गड़बड़ी हो गई। तुम अभी का भी जाओ और उसको जल्दी लेके आओ। वो बड़ा अड़ियल है सरकार, नहीं आएगा। वो नहीं आएगा? नानी ले चूल्हा जल गया, अब अपनी दाल गला। अच्छा अच्छा बहुत काम किया। हरिया मालिक आप? नानी देख मालिक आए। आइए आइए। पालक जी मालिक, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। बैठने का वक्त नहीं, मैं हरिया को काम पर भेजने आया। हरिया
तेरा कोई कसूर नहीं। नानी सुन लिया? सच मालिक? हाँ सच। जा हरिया काम पर। लेकिन मालिक वो छोटे मालिक का हुक्म? मेरे हुक्म के सामने किसी का हुक्म कुछ नहीं। माफ कीजिए मालिक, मैं भी असल बाप का बेटा हूँ। जब तक छोटे मालिक मुझसे माफी नहीं मांगेंगे अपन टलने वाले नहीं। अपन टलने वाले नहीं। बेशरम, अपनी हैसियत तो दे। मालिक बुलाने आए और तू नखरा कर रहा है। चल, जा भले मानस की तरह काम कर। जाता हूँ नानी। अच्छा मालिक, मैं राजा को लेके चला। माफ करना मालिक, बच्चा है नादान है। मगर लड़का बहुत काम था, हाथियों से क्या काम लेता है। अच्छा एक अनाथ का एक अनाथ से क्या झगड़ा, तेरी मेरी पट्टी छूक रहा है तो दिल वाला। रबिया, आज चाय लेकर नहीं गई? आज मेरा मन नहीं करता। आज वो गुंडा नहीं होगा, चाय आसानी से बिक जाएगी। तू जा मामा, मैं दुकान संभाल लूंगी। 7 दिन में बेटा होश में आ जाएगा। बंशीराम जी, वो हरिया फिर से काम पे आ गया। फिर से काम पर आ गया है, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। अरे अरे गुलाबिया, अरे गुलाबिया, अरे कहाँ जा रही है? चाय बेचने। पंछी राम जी, नाम तुम्हारा पंछी है और उड़ रही है वो तुम्हारी भांजी। तू फिर आ गया? मैं तो ये कहने आया था कि वो हरिया बड़ा खिलाड़ी है, कहीं गुलाबी को अपने जाल में ना फंसा ले। तो इसकी फिक्र तू क्यों करता है? याद रहे, गुलाबी के साथ मेरी सगाई हो चुकी है। सगाई हो चुकी है? अरे तुझ जैसे बेकार खट्टू के हवाले करके मैं अपनी भांजी का गला नहीं घोट सकता। चल हट। पंछी राम, जग्गू से टकराना बहुत भारी पड़ेगा। अरे चल चल हट। देख लूंगा। और सुन, अगर दोबारा तूने दुकान की तरफ कदम रखा तो चाय की पत्ती की तरह गर्म पानी में उबाल कर तुझे केतली में बंद कर दूंगा। पंछी राम का बच्चा। आप लोग पीजिए, ये तो पागल है। ए हरिया, चाय दूं? बस थोड़ी देर और, ये रख लो। ठीक है। चल राजा, रख दे रख दे रख दे रख दे रख दे। शाबाश। चलो भाई आकर चाय पी लो। चल जाते। चलो चलो चाय पी लो। ए हरिया। हाँ। उठ रे। क्या है? तू भी पी ले। मैं चाय नहीं पीता। अरे पी ना, डरता काहे को, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगी। हंसता काहे को रे? चाय भी कोई पीने की चीज है? अपना पीने का टाइम तो सूरज ढलने के बाद ही होता है। दारू? दारू? छी, देख मुझे शराबी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। खबरदार जो मेरे सामने कभी शराब पी कर आया। हरिया आ गया। इधर आओ। आया छोटे मालिक। तू ठहर में आया? मेरे हुक्म के खिलाफ तो फिर काम पे आ गया। बड़े मालिक खुद मुझे घर से ले आए। आपका हुक्म खलास हो गया साहब। चलो भाई अपना अपना काम करो, बरसात के पहले काम खत्म करना है। बरसात आए या छक्कड़, अब तू 7 दिनों के लिए क्या हमेशा के लिए काम नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ये काम नहीं करेगा तो क्या तुम करोगे? बरसात के पहले अगर काम खत्म नहीं हुआ तो हजारों का नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? जाओ हरिया, तुम अपना काम करो। जी बड़े मालिक। आपको नुकसान की पड़ी है, बेटे की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। आपने मजदूरों के सामने मेरा हुक्म रद्द करके मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की है डैडी। अब तो इसे निकालना ही पड़ेगा। अजय, तुम्हारी झूठी इज्जत और मनमानी के लिए मैं अपने किसी भी ईमानदार मजदूर को नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? वो हरिया सब कुछ सुन चुका।
और सुनना नहीं चाहता।